हेलो एवरी वन माई सेल्फ मनप्रीत एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल नर्सिंग स्कूप सो हम कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस सो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीिक्यूज पूछे जा चुके हैं जहाँ पूछे जा सकते हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं सो so, इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करा था सो so, अगर आप अभी नहीं आई हैं इस चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पे मिल जाए एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं सो फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस चैनल यू कैन शेयर द वीडियोज़ एंड अपनी फीडबैक आप कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया करो सो so, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बिकॉज वहाँ पे मैं फ़्लैश कार्ड्स डालती हूँ एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू वेकेंसीज़ एंड पी डी एफ वगैरह सारे वहीं पे शेयर होते हैं सो so, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो नर्सिंग स्कूप के नाम से ही है एंड उसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगी सो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ में डाले हुए हैं सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन रेगुलर ऑरल हाइजीन इज असेंशियल फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ स्ट्रोक ठीक है पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है एंड ऑरल हाइजीन उसकी चाहिए उसको एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेयर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट वैन प्रोवाइडिंग दरल हाइजीन सो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इनअप्रोप्रिएट है अप्रोप्रिएट नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी है सो so, ऑप्शन क्या हैं प्लेस द क्लाइंट ऑन अ बैक विद स्मॉल पिलो अंडर द हेड सो so, देखो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है ठीक है अभी वो वीक फील कर रहा होगा वो हेल्पलेस होगा तो so, ऐसे पेशेंट को आप सिटिंग पोजिशन में नहीं बिठाओगे ठीक है यू हैव टू प्रोवाइड दी साइड लाइन पोजिशन साइड लाइन पोजिशन दे के आप जो स्मॉल पिल्लो उसके हेड के नीचे प्लेस कर सकते हो सो दिस इज नॉट अ राइट इंटरवेंशन सो ऑप्शन ए इज अ राइट सो ऑप्शन बी क्या है कीपिंग द पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट अ बेड साइड सो आप ऑरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो पेशेंट की सो पेशेंट कैन एस्पिरेट ड्यूरिंग द प्रोसीजर सो उसके लिए अगर पेशेंट एस्पिरेट कर रहा है तो आप सक्शन कर सकते हो आपको उसी टाइम पे सो ऑप्शन सी क्या है ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विद द विदेड टंग ब्लेड सो पेडर टंग ब्लेड इज अ सेफ टू यूज ठीक है सो ऑप्शन सी इज अ राइट एंड ऑप्शन डी क्या है क्लीनिंग द क्लाइंट माउथ एंड टीथ विद द टूथ ब्रश सो बिल्कुल सही है ये भी तो so, यहां पे आपको फाइंड आउट करना था इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट सो डैट इज ऑप्शन ए आपने पेशेंट को बैक पे प्लेस नहीं करना है यू हैव टू प्लेस द पेशेंट इन अ साइड लाइन पोजिशन ठीक है सो चलो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is a priority nursing assessment in first 24 hours after the admission of a client with thrombotic stroke? Options are cholesterol level, pupil size, and papillary response. Option C is bowel sounds, and option D is the echocardiogram. So, the answer of this question is option B, pupil size and papillary response. So, it's very crucial to monitor the pupil size and papillary response as this indicates the changes around the cranial nerves. Okay? सो so, बाकी के जो ऑप्शन है लाइक कोलेस्ट्रोल लेवल बाद में भी चेक हो सकता है इट इज नॉट अ प्रियोरिटी इन फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स बॉबल साउंड्स को भी आपने मॉनिटर करना होता है बिकॉज कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को बट स्टिल इट इज नॉट अ प्रियोरिटी एंड ऑप्शन डी दैट इज इको कार्डियोग्राम सो इसी इज नॉट अ प्रियोरिटी अगर पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज नहीं है सो मोस्ट क्रूशियल इज टू मॉनिटर द पीपल साइज एंड पिपोलरी रिस्पॉन्स सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A client is brought to the emergency department unconscious so unconscious patient hai. an empty bottle of aspirin was found in the car and drug overdose is suspected so which of the following medication should nurse have available for the further emergency treatment so in this question you have to find out the antidote of the aspirin so in case of aspirin kya doge? vitamin k vitamin k to hum in case of warfarin toxicity so this is not a right सो नेक्स्ट इज डेक्सट्रोज फिफ्टी परसेंट सो डेक्सट्रोज फिफ्टी परसेंट हम देते हैं इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया सो नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर सो दिस इज़ अ राइट इंटरवेंशन सो एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जब आप दोगे तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा सैलीसाइलेप पार्टिकल्स को ठीक है एस्पिरिन को सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के हैं सोडियम थायोसल्फेट सो सोडियम थायोसल्फेट हम देते हैं इन केस ऑफ सायानाइड पॉइजनिंग so this option is wrong so here the right option is option c active charcoal powder in case of the aspirin overdose so question number 24 when communicating with a client who has a aphasia so what is a aphasia it is a client inability to कम्युनिकेट स्ट्रोक हुआ जहाँ कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ एंड पेशेंट को अफेजिया हो गया वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा प्रॉपरली सो so, हमने रिसेंट वीडियोस में देखा था कि अफेजिया एक्सप्रेसिव भी हो सकता है एंड रिसेप्टिव भी हो सकता है सो so, अगर आपने वो नहीं देखे क्वेश्चन तो वो उन क्वेश्चन को भी आप देखना इंपॉर्टेंट है वो भी सो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट सो क्लाइंट अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है एंड यहाँ भी आपको फाइंड आउट करनी है इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन सो ऑप्शन ए इज प्रेजेंट अ वन थॉट एट अ टाइम बिल्कुल ठीक है कर सकते हो देन एनकरेज द क्लाइंट नॉट टू राइट मैसेजेस सो पेशेंट अभी बोल के नहीं बता सकता ठीक है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो आप मैसेजेस पे उसको आ, information, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए बोल सकते हो सो दिस ऑप्शन इज इन बिकॉज यहाँ पे लिखा है एनकरेज द क्लाइंट नॉट टू राइट द मैसेज सो ऑप्शन बी इज द राइट स्टेटमेंट सो स्पीक विद द नॉर्मल वॉल्यूम दिस इज द राइट एंड मेक द यूज ऑफ द गैस्चर्स सो डैट के अंडरस्टैंडिंग हो सके जो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके सो ऑप्शन बी इज द इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एंड यही आपको पूछा था कि कौन से इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है सो so इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो वॉट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द थ्रॉम्बोलिटिक ड्रग थेरेपी फॉर अ स्ट्रोक सो so, देखो थ्रोम्बोलिटिक नेम से क्लियर है थ्रोम्बो ठीक है थ्रोम्बस हो गया एंड लिटिक मीन्स के लाइसिस करना उसको तोड़ना थ्रोम्बस को तोड़ना सो so, इसका क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन डिजोल्व एम्बोलाई एंड प्रिवेंशन ऑफ दी हेमरेज थ्रोम्बो एम्बोलिटिक ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी थ्रोम्बाई को तोड़ेंगी ठीक है वो उसको क्या करेंगी डिजोल्व करेंगी सो so, इसका जो राइट right ऑप्शन होगा डैट इज ऑप्शन सी इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी vasoconstriction and prevention of hemorrhage is not a goal with the thromboembolitic drug therapy. So right option is option C, dissolve of the emboli so that to re-establish the cerebral perfusion. So right option is option C. So next question dekhte. So next question is for a client who is experiencing expressive aphasia, ठीक है एक्सप्रेसिव अफेजिया है कि पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है बट वो नहीं बोल पा रहा ठीक है देर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज ठीक है जो कि होता है स्ट्रोक्स वाले पेशेंट में कि उनको अंडरस्टैंडिंग है उनको समझ आ रहा है बट वो बोल नहीं सकते हैं सो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट हेल्पफुल इन प्रमोटिंग दी कम्युनिकेशन सो अभी कौन सी इंटरवेंशन मोस्ट हेल्पफुल होगी सो स्पीकिंग लाउडली

सो ऑप्शन सी इज राइटिंग द डायरेक्शन सो दैट द क्लाइंट कैन रीड दम एंड ऑप्शन डी इज स्पीकिंग इन अ शॉर्ट्स एंटेंसेज सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेसिव अजिया का मीनिंग क्या होता है डैट विल डायरेक्ट यू टू द राइट ऑप्शन बी यूजिंग अ पिक्चर बोर्ड सो विद दिस मूविंग ट नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या है इन प्लानिंग अ केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ हैड अ स्ट्रोक सो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था सो द नो शुड अपटेन अस्ट्री ऑफ क्लाइंट फंक्शनल स्टेटस बिफोर द स्ट्रोक बिकॉज सो नर्स अभी हिस्ट्री ले रही है कि स्ट्रोक से पहले उस कैसे उसकी फंक्शनबिलिटी थी सो so, क्यों ले रही है वो बिकॉज ऑफ रिहेबिलिटेशन प्लान विल भी गाइड बाई इट कि पेशेंट पहले कितना एक्टिव था उसके अकॉर्डिंग अभी उसकी जो एक्टिविटी प्लान बनेगा उसका रिहेबलीटेशन प्लान बनेगा सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सो अदर ऑप्शन आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिहेबिलिटेशन प्लान बनाने के लिए हमें पेशेंट की प्रीवियस एक्टिविटीज़ को जानना पड़ता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज द टिपिकल रिएक्शन टू लॉन्ग टर्म फॉर नाइन टाइम सोडियम थेरेपी सो पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म फॉर नाइन टर्म पे है सो so, कौन सा इनमें से देखने के लिए मिल सकता है वेट गेन इंसोमिया एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ गम टिश्यूज एंड ऑप्शन डी इज द डिटेरियोरेटिंग आईसाइट सो वेट गेन नहीं होता नाइन के साथ इन स्लीप पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता देन ऑकुलर प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं बट जो ऑप्शन सी है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ गम टिश्यू सो जिंजीवल हाइपरप्लेजिया देखने के लिए मिलता है जो गम टिश्यूज होते हैं उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है सो so, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो विद प्रॉपर ऑरल हाइजीन बट कई बार इतनी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है कि हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है वो सो इ राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया है एक्सेसिव ग्रोथ है गम टिश्यूज की डैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द फनाइन टाइम थेरेपी ज वाई एम प्रपेयरिंग टू टीच अ क्लाइंट अबाउट फनाइनटेन थेरेपी द नोर शुड अर्ज द क्लाइंट नॉट टू स्टॉप द ड्रग सडनली बिकॉज सो सडनली ड्रग को स्टॉप नहीं करना है फनाइन टन को नहीं तो क्या हो सकता है फिजिकल डिपेंडेंसी ऑन ड्रग डि टाइम सो डिपेंडेंसी नहीं होती फनाइन टन के साथ स्टेटस एपिलेप्टन डिवेल्प सो so, अगर आप फाइनटन को ऐसे ही सडनली स्टॉप करोगे सो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस एप्टिलेप्टस कैन डिवेलप सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है फनाइन टन के साथ अगर आप इमीडिएटली स्टॉप करते हो एंड हार्ट ब्लॉक भी नहीं होता बिकॉज जो फनाइटन होती है इट इज़ अ एंटीअरिदमिक एजेंट सो हार्ट ब्लॉक के चांसेस भी नहीं होते हैं सो स्टेटस एप्टिलेप्टिकस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैन डिवेलप इफ यू स्टॉप दिन सडनली सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का सो क्वेश्चन नंबर थर्टी सो विच एक्टिविटी शुड नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू अवॉइड वेन देर इज अ रिस्क फॉर इंक्रीज आई सी पी डीप्रीदिंग टर्निंग कफिंग एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी कफिंग कफिंग से आई सी पी इंक्रीज हो सकता है क्यों होता है कफिंग से आई सी पी इंक्रीज अगर आपको इसके रैशनल जानना है तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की पार्ट वन उसमें से मैंने डिस्कस करा था कि कौन सी एक्सरसाइजेस कौन सी एक्टिविटीज़ पेशेंट को करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए एंड क्या उनका रीज़न है सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सो अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो इसके बाद आप वो वीडियोज़ देख लेना इस क्वेश्चन का रैशनल आपको वहीं पर मिलेगा सो so, वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करा करो एंड अगर अच्छी लगती हैं तो अपने सर्कल में नर्सिंग सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ता सबका बेनिफिट हो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो इन्फॉर्मेशन की एंड फॉर दिस स्पोर्ट ऑफ चैनल आप वीडियोज़ को लाइक like कर सकते सो uh, so चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ न्यूरो सिस्टम के कल सो टिल द टाइम स्टेट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग